स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हम लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में आई थिंक पहुंच गए हैं। तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में जो जो क्वांटिटीज इन्वॉल्व होती है वो सारे कर लेते हैं। सबसे पहले बताओ हीट की इटसेल्फ डायमेंशन क्या होगी? हीट क्या है बताओ भाई, हीट क्या होता है? हीट एक एनर्जी होती है जो दो बॉडीज के बीच में फ्लो करती है, उन दो बॉडीज के बीच में जिनमें टेम्परेचर का डिफरेंस हो। हीट इज द एनर्जी फ्लोइंग ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस From higher temperature body to lower temperature body. Heat is the energy flowing due to temperature difference from higher temperature to lower temperature. अगर हम एक hotter body को एक colder body के साथ contact में ले आए direct physical contact या किसी conducting element के through, तो higher temperature से lower temperature के बीच में एक energy flow करने लगेगी। बिल्कुल ऐसे जैसे दो pipe रखे हो और एक में level ज्यादा हो एक में level कम हो, तो higher level से lower level की तरफ liquid चलने लगेगा। बिल्कुल वैसे जैसे अगर हम कोई वायर में एक पॉइंट हाई पोटेंशियल पे ले आए और एक पॉइंट लो पोटेंशियल पे ले आए, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के बीच में चार्ज चलने लगेगा, करंट चलने लगेगी, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट हो चाहे लिक्विड करंट हो चाहे हीट करंट हो, नेचर सबका सिमिलर है। तो हीट कैसे चलती है? तो हीट चलती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो आगे बढ़ते हैं, अगर हीट चलती है हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, एक एनर्जी होती है, तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर डिफरेंस मैटर करता है। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी वोट वाला टर्म भी आएगा, बट हीट है तो एनर्जी। तो हीट की डायमेंशन तो भाई पक्की बात है, एनर्जी की डायमेंशन एमएल टू टी माइनस टू निकाल चुके हैं, कल ही बताया था हर एनर्जी की डायमेंशन एमएल टू टी माइनस टू। अब हीट टेम्परेचर डिफरेंस से चली तो टेम्परेचर तो खुद ही फंडामेंटल है। तो मैंने एक और चीज बताया कि टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक रॉड है, इस रॉड के एक एंड पे T1 हाई टेम्परेचर, T2 लोअर टेम्परेचर, और हीट चल रही है T1 से T2। रॉड की लेंथ L है। तो एक्चुअली मैं एक वर्ड बताना चाहता था, एक टर्म बताना चाहता था, एक फिजिकल क्वांटिटी बताना चाहता था, टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट? तो कल भी मैंने बताया था जब भी वर्ड यूज हो ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। प्रेशर ग्रेडियंट डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एक्स, टेम्परेचर ग्रेडियंट डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स, वेलोसिटी ग्रेडियंट डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या लिखेंगे? डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? एल, इन दोनों पॉइंट के बीच का गैप, टी वन माइनस टी टू बाई एल, ये टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट की डायमेंशन पूछे तो टेम्परेचर ग्रेडियंट की डायमेंशन टी वन माइनस टी टू टेम्परेचर। इसके लिए हमने सिंबल दिया है के, के फॉर केल्विन वाला। तो इसको टेम्परेचर ग्रेडियंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखेंगे? के, और ये एल ऊपर आ जाएगा तो एल की पावर माइनस वन। ऑब्वियसली देख रहे हो मास लेंथ तो आ नहीं रहा है, टाइम भी नहीं आ रहा है, इनफैक्ट टेम्परेचर और लेंथ आ रहा है, सॉरी लेंथ तो आ रही है, मास नहीं आ रहा है। तो मास की पावर जीरो है, लेंथ की पावर माइनस वन है, टाइम नहीं आ रहा है तो जीरो है, टेम्परेचर आ रहा है तो के की पावर वन है। तो इस तरीके से हम इस क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला टेम्परेचर ग्रेडियंट का लिख सकते हैं। हीट हो गया, टेम्परेचर ग्रेडियंट हो गया। अब इससे रिलेटेड और हम लोग करते हैं चीजें, जब हम किसी बॉडी पे हीट देते हैं तो वो क्या क्या कर सकती है। तो हम किसी बॉडी पे अगर हीट दें तो एक तो उसका टेम्परेचर चेंज कर सकती है, दूसरा उसका फेज चेंज कर सकती है। मतलब जैसे वाटर है हमारे पास, वाटर के तीन फॉर्म, आइस, लिक्विड और वेपराइज्ड फॉर्म, स्टीम। तो अगर हम आइस को हीट देना स्टार्ट करें माइनस टेन की आइस से, तो पहले तो वो माइनस टेन से जीरो डिग्री में जाएगी, फिर जब वो जीरो डिग्री की आइस बन जाएगी तो जीरो डिग्री की आइस फिर मेल्ट होना स्टार्ट होगी जीरो डिग्री के वाटर में। जब मेल्ट हो जाएगी पूरी की पूरी, लिक्विड वाटर बन जाएगा, तो फिर हीट देंगे तो वो जीरो से हंड्रेड उसका टेम्परेचर चेंज होने लगेगा, और वो रहेगी लिक्विड, फेज चेंज नहीं होगा। हंड्रेड डिग्री बॉइलिंग पॉइंट, तो वहां पे फिर हीट देंगे तो वो बॉइल होने लगेगी, स्टीम में कन्वर्ट होने लगेगी, वेपराइज होने लगेगी। तो अब वो वेपराइज तो खैर हर समय होती रहती है, बॉइलिंग होने लगेगी ये बोलना चाहिए। तो बॉइलिंग होते वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी पूरी की पूरी, फिर उसके बाद हीट देंगे तो फेज तो वही रहेगा, गैस ही रहेगी, और उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। तो जब फेज चेंज नहीं हो रहा है तब टेम्परेचर बढ़ रहा है, और जब फेज चेंज होता है तो उतने ड्यूरेशन में टेम्परेचर चेंज नहीं होता, जो भी हीट देते हैं उसका फेज चेंज में जाती है, उसे लेटेंट हीट बोलते हैं। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट दे रहे हैं तो एक तो मैंने बताया कि उसका फेज चेंज हो सकता है, और दूसरा टेम्परेचर चेंज हो सकता है। तो जब टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है तो फॉर्मूला लगता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा, जहां पे एम होता है मास, एस होता है स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा थीटा होता है चेंज इन टेम्परेचर। एम होता है मास, एस होता है स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा थीटा होता है चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर हमें किसी बॉडी का टेम्परेचर चेंज करना है तो ऑब्वियसली हीट देनी पड़ेगी, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज करेंगे उतनी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी।
जितना मास ज्यादा होगा उतनी ज्यादा देनी पड़ेगी, और मटेरियल पे भी तो डिपेंड करता है, कुछ ऑब्जेक्ट को ज्यादा देनी पड़ेगी कुछ ऑब्जेक्ट को कम, तो जिनका ज्यादा ही देनी पड़ेगी उनका एस एस जो है कॉफिशियंट वो कहलाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मटेरियल की करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, अलग अलग मटेरियल की अलग अलग होती है। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या बोलते हैं इसको? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग। तो एस की ही हमें डायमेंशन निकालनी है, करते हैं। तो एस लिखा मैंने डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा थीटा, एस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखा मैंने डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा थीटा, एस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डायमेंशन चाहिए। डेल्टा क्यू हीट एनर्जी है, तो ये बन गया एम एल टू टी माइनस टू। डेल्टा क्यू हीट एनर्जी है, क्या बन गया? एम एल टू टी माइनस टू। एम मास, ये रहा भैया मास। डेल्टा थीटा क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर चेंज किया होगा तो भैया सेल्सियस केल्विन टेम्परेचर ना, तो टेम्परेचर की डायमेंशन हम लोग टेम्परेचर को के से लिखते हैं, मैंने मतलब हम लोग जो यूज करते हैं के, एम से एम कट जाएगा, तो ये आ गया एल टू टी माइनस टू के माइनस वन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डायमेंशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डायमेंशन क्या होती है? एल टू टी माइनस टू के माइनस वन। वापस आ जाते हैं, ये देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एल टू टी माइनस टू के माइनस वन, स्पेसिफिक हीट सीख गए, तो इसी से मिलता जुलता टर्म लेटेंट हीट कर लेते हैं। लेटेंट हीट पे आते हैं, इसी में कर लेते हैं भाई, थोड़ा सा रबर से हटा लेते हैं, जगह बना लेते हैं, क्यों भाई मेरा पेज खर्च करें, इसी पेज में कर लेते हैं। लेटेंट हीट करते हैं, लेटेंट हीट कब यूज होता है? तो लेटेंट का मतलब होता है इनविजिबल, हिडन, दिखे ना भाई। आपको मालूम है बॉइलिंग वाटर, पानी बॉइल हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे, आप उसमें थर्मामीटर लगा लो, थर्मामीटर कुछ भी रिफ्लेक्शन कोई भी चेंज शो नहीं करेगा, तो जो हीट दे रहे हो जा कहां रही है? तो वो उसके फेस चेंज में जा रही है, मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में जा रही है, तो वो हमें दिखती नहीं है, विजिबल नहीं दिखती है, टेम्परेचर चेंज के फॉर्म में रिफ्लेक्ट नहीं होती है। वट एवर हीट इज बींग गिवेन एट दैट टाइम एट दैट मोमेंट दैट हीट इज यूज दैट हीट इज बींग यूज टू चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, फेस चेंज में जा रही है, तो वो टेम्परेचर चेंज में नहीं जाती। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो उसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एम एल, से मास पे डिपेंड करती है भाई, और दूसरा मटेरियल पे डिपेंड करती है, किसकी बात करो, किसका फेस चेंज करो, वाटर का मालूम कर रहे हो तो अलग आएगा, किसी और ऑब्जेक्ट का कर रहे होगे, इधर विधर का कर रहे हो तो कुछ और आएगा, और वाटर का कर रहे हो तो उसमें भी कौन सा आइस से उसको लिक्विड वाटर ला रहे हो कि लिक्विड वाटर से स्टीम ला रहे हो? भाई आइस से लिक्विड वाटर लाओगे तो उसमें 80 कैलोरी पर ग्राम की हीट लगती है, और अगर आप लिक्विड वाटर से स्टीम ले आओगे तो 540 कैलोरी पर ग्राम लगती है। तो जो मैंने बोला ना 80 कैलोरी पर ग्राम 540 कैलोरी पर ग्राम, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट, और ये मास पे डिपेंड करती है, तो जितने ग्राम होगा एम ग्राम है उसमें 80 कैलोरी पर ग्राम से मल्टीप्लाई कर दो तो कैलोरी में हीट निकल आएगी, तो ये जो एल है वो 80 कैलोरी पर ग्राम वो कहलाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, 540 कैलोरी पर ग्राम वो कहलाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वो स्टीम में यूज होता है। वाटर की भी आपको अक्सर क्वेश्चन हो तो आप ये 80 और 540 यूज कर सकते हो, बाकी अलग कोई मटेरियल होगा तो उसका दिया होगा, पर मेरा पर्पज ये बताना था खाली लेटेंट हीट की डायमेंशन। तो लेटेंट हीट इनविजिबल हीट जब फेस चेंज हो रहा हो तब यूज होती है, और ये फॉर्मूला होता है इसका Q इज इक्वल टू एम एल, Q इज इक्वल टू एम एल में लेटेंट हीट की डायमेंशन निकालनी है, निकालते हैं भैया Q इज इक्वल टू एम एल में लेटेंट हीट की डायमेंशन। तो L को लिखा मैंने Q अपॉन एम, L को मैंने लिखा Q अपॉन एम, क्या है Q? एम एल टू टी माइनस टू, एम क्या है? मास, जे रहा मास, एम से एम कट गया तो कितने आ गया ये एल टू टी माइनस टू, लेटेंट हीट की डायमेंशन, एल टू टी माइनस टू लेटेंट हीट की डायमेंशन, ये रहे लेटेंट हीट एल टू टी माइनस टू। तो हम लोगों ने दो कर लिया, स्पेसिफिक हीट कर लिया और लेटेंट हीट कर लिया। लेट मी हैव द वॉटर, इट समर्स। तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में किन किन क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है? हीट एनर्जी, टेम्परेचर ग्रेडियंट बता दिया मैंने, टेम्परेचर तो इटसेल्फ ही फंडामेंटल है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी करा दिया मैंने, क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा से डायमेंशन निकालना, लेटेंट हीट क्यू इज इक्वल टू एम एल से डायमेंशन निकालना। भाई अगर आपको क्वांटिटी का फॉर्मूला पता हो तो डायमेंशन निकालना इज वेरी इजी। तो आगे बढ़ते हैं, थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशेंट, ये क्या चीज है? जब हम किसी बॉडी को हीट देते हैं तो वो हीट कहीं ना कहीं, जैसे सॉलिड में आपको रियलाइज करना, विजुलाइज करना थोड़ा सा ईजी होगा, सॉलिड लिक्विड गैस सभी में होता है, वैसे कोई ऐसी बात नहीं है। जब हम हीट देते हैं तो मॉलिक्यूल्स के बीच के गैप को बढ़ा देती है,
हम हीट एनर्जी देते हैं तो मॉलिक्यूल्स और बड़े बड़े डिस्टेंस के वाइब्रेशन करने लगते हैं, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर सेपरेशन बढ़ जाता है, और सारे मॉलिक्यूल के साथ ऐसा होता है। तो उससे क्या होता है, बॉडी का साइज फैल जाता है, एक्सपेंशन हो जाता है, इसको बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन जब जो किसी बॉडी का होता है तो उसमें एक कॉफिशियंट जो होता है जिसको बोलते हैं कॉफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन। अब वो कॉफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन की डायमेंशन निकालनी है, तो करते हैं कॉफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन की डायमेंशन। देखिए मैंने क्या बताया, मान लीजिए कोई बॉडी है, कोई भी एनी शेप एन साइज की बॉडी, इस बॉडी पे मैंने हीट दी, तो मान लीजिए मैंने हीट इसमें दी डेल्टा क्यू। अब हीट दी तो इसका टेम्परेचर चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज होने से ही तो इसका थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। तो अब जैसे मान ली इस ऑब्जेक्ट का जो साइज था, कोई भी हमने इसके साइज ले ली, डायमेंशन ले ली डी। अब ये साइज या डायमेंशन डी का मतलब क्या है, तो देखिए अगर लीनियर ऑब्जेक्ट होगा, वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होगा, तो डायमेंशन लेंथ होगी। कोई सुपरफिशियल ऑब्जेक्ट होगा, जैसे प्लेन सीट है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये प्लेन ऑब्जेक्ट है, ये एक प्लेन सीट है, ये एक प्लेन सीट है, तो इस प्लेन ऑब्जेक्ट में इसका एरिया होगी डायमेंशन। कोई थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ये बॉटल, ये एक थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, इसमें वॉल्यूम है, तो इसमें डायमेंशन होगी वॉल्यूम। तो जो भी डायमेंशन इन्वॉल्व हो रही हो, लेंथ है, एरिया है, वॉल्यूम है, उसको मैंने डी लिख लिया। जब आप इसको हीट दोगे, इसका टेम्परेचर चेंज करोगे, तो इसका एक्सपेंशन हो गया, एक्सपेंशन हुआ तो इसकी डायमेंशन चेंज हो गई, लेंथ हो तो लेंथ में चेंज, एरिया है तो एरिया में चेंज, जो भी डायमेंशन आप कंसिडर करो, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम में चेंज। तो अब जो होता क्या है कि जो भी डायमेंशन में चेंज होता है डेल्टा डी, एक्सपेरिमेंटली पाया गया ये होता है डी सी डेल्टा थीटा के इक्वल। मतलब जो डायमेंशन में चेंज हुआ वो ओरिजिनल डायमेंशन पे डिपेंड करता है। अब ऑब्जेक्ट लंबा होगा, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो एक्सपेंशन भी उस हिसाब से ज्यादा होगा। वो चेंज इन टेम्परेचर, ऑब्वियसली तुम 10 डिग्री की बजाय 100 डिग्री टेम्परेचर चेंज करोगे तो डायमेंशन में चेंज भी ज्यादा होगा। तो और दूसरा तीसरा एक मटेरियल की प्रॉपर्टी, भाई सब कुछ वही रखो, डायमेंशन वही रखो, टेम्परेचर में चेंज वही रखो, तो मटेरियल टू मटेरियल भी तो वेरी करेगा, अलग अलग मटेरियल का चेंज अलग होगा, कुछ मटेरियल ज्यादा फैलेंगे, कुछ मटेरियल कम फैलेंगे। तो सबका जो करेक्टरिस्टिक कांस्टेंट होता है उसी कांस्टेंट को बोलते हैं कॉफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन। तो अगर हम लेंथ कंसीडर करें तो ये बन जाता है डेल्टा एल इज इक्वल टू, अगर हम लेंथ पे फोकस करें तो ये बन जाता है डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा थीटा। तो इस अल्फा को बोलते हैं कॉफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। आई होप कि ग्रीन कलर दिख रहा होगा अच्छे से, चेंज कर लेते हैं। चलो एरिया है तो ये बन जाता है डेल्टा ए इज इक्वल टू ए बीटा डेल्टा थीटा, डायमेंशन ही ले ली, बीटा होता है कॉफिशियंट ऑफ एरियल और कॉफिशियंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो बन जाता है डेल्टा वी इज इक्वल टू वी गामा डेल्टा थीटा, जहां पे गामा कहलाता है कॉफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कॉफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कॉफिशियंट ऑफ एरियल या सुपरफिशियल एक्सपेंशन, कॉफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, सब कुछ है, लीनियर एरियल वॉल्यूम सारे एक्सपेंशन कॉफिशियंट अल्फा बीटा गामा कि डायमेंशन एक ही होती है, क्योंकि सबका बेसिक फॉर्मूला ये डेल्टा डी इज इक्वल टू डी सी डेल्टा थीटा। तो जो सी है कॉफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, चाहे वो अल्फा हो लीनियर, बीटा हो एरियल, चाहे वो गामा हो वॉल्यूम, सब में करने का तरीका एक ही है। और कैसे निकालेंगे, तो सी को लिखा मैंने डेल्टा डी अपॉन डी डेल्टा थीटा। सी क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, चाहे वो लीनियर हो चाहे वो एरियल हो चाहे वॉल्यूम, हम डायमेंशन निकाल रहे हैं क्वांटिटीज की। क्या होगी इसकी डायमेंशन, डेल्टा डी जो भी है, लेंथ है, एरिया है, वॉल्यूम है, और नीचे डी ये भी लेंथ एरिया वॉल्यूम, तो चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, चेंज इन एरिया अपॉन एरिया, वो तो कट जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, ऊपर भी मीटर क्यूब नीचे भी मीटर क्यूब, तो नीचे देखिए टेम्परेचर बचेगा, और टेम्परेचर को अगर हम लोग के से लिखे, के 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 याद रखना केल्विन वाला, तो वन अपॉन के क्या बन जाएगा, ये के माइनस वन, यही डायमेंशनल फॉर्मूला है। कॉफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन चाहे लीनियर चाहे एरियल चाहे वॉल्यूम, डायमेंशनल फॉर्मूला के माइनस वन होता है। क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, के माइनस वन। तो वापस आते हैं, ये हो गया हमारी क्वांटिटी, हम लोग कर रहे थे थर्मल एक्सपेंशन। क्या होता है थर्मल एक्सपेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला, के माइनस वन, थर्मल एक्सपेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला के माइनस वन। आगे बढ़ते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। अभी थर्मल कंडक्टिविटी क्या चीज होती है, तो देखिए हीट के फ्लो करने के तीन तरीके हैं। मैं ये सब क्यों बता रहा हूं कि जैसे मान लीजिए मैं आपको डायमेंशनल फॉर्मूला डायरेक्टली बता भी दूं तो कैसे आप याद कैसे रखोगे बताओ, अगर आपको मैं सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दूं तो याद कैसे रखोगे। एग्जाम में तो क्वेश्चन आएंगे, उसमें तो उन्होंने टर्म यूज कर दिया भाई थर्मल कंडक्टिविटी, आपको पता होना चाहिए उसकी डायमेंशन, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो याद तभी रख पाओगे जब उनके बारे में आपको बैकग्राउंड पता होगा,
उनका बेसिक पता होगा, अदरवाइज देर इज नो वे कि आप इन सब चीजों को याद रख पाओ, इसलिए आपको इन क्वांटिटीज के बारे में पता होना जरूरी है। आते हैं थर्मल कंडक्टिविटी करते हैं। अभी तक किसी को कोई डाउट हो, कुछ बोलना हो, देख लेता हूं मैं कमेंट। हेमंत साहू का कुछ कहना है कि नीट के पुराने साल के प्रैक्टिस पेपर पे मैं वीडियो बना दूं। बहुत अच्छी बात तुमने बोली है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को ये जरूरत फील हो रही होगी। नीट के पुराने पेपर की वीडियो में स्पेसिफिकली चाहते क्या हो? मैं मतलब फिजिक्स के सारे उसमें क्या लेक्चर उनके सोल्यूशन दे दूं सारे क्वेश्चंस के, या कुछ बताओ मुझे, कुछ और स्पेसिफाई करो कि क्या चाहते हो। जैसे नीट के अभी 2020 का एग्जाम होना है, तो 2019 2018 पिछले सालों के सोल्यूशन चाहते हो, या फिर कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन चाहते हो जिनके आने की पॉसिबिलिटीज जाता है, कुछ स्पेसिफाई कर दोगे अगर हेमंत, तो मैं उस चीज को फोकस कर लूंगा। तो वही कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता दो व्हाट डू यू वांट स्पेसिफिकली, तो मैं वो जरूर बना दूंगा, और ऐसा बना दूंगा जिससे तुम लोगों की बहुत अच्छी हेल्प हो जाए। अच्छा आइडिया है वैसे, मैं इस चीज को याद रखूंगा, बट थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दो एग्जैक्टली क्या चीज चाहते हो जिससे तुमको हेल्प मिले। तो अगर तुम वो बता दोगे तो मैं वो स्पेसिफिकली वो बना दूंगा। ठीक, तुम बोलोगे तो मैं नीट के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी बना दूंगा। एनीवे आगे बढ़ते हैं, हेमंत बता देना मुझको कमेंट में लेके। ठीक है, हम लोग कर रहे थे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में हम हीट, वैसे भी हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट, दो ऑब्जेक्ट के बीच में हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर दो पॉइंट्स के बीच में चल रही है, तो हीट हमेशा चलने वाली एनर्जी होती है, मूव करने वाली एनर्जी होती है। तो हीट जब मूव करती है तो हीट के मूव करने के चलने के तीन तरीके होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। हीट के चलने के तीन तरीके होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। बेसिक डिस्कस कर लेते हैं, और कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन से मिलती जुलती चीजें भी कर लेंगे। कंडक्शन क्या होता है, मान लीजिए कोई सॉलिड बॉडी है, यहां से हीट दें तो यहां से हीट देने के बाद यहां के जो मॉलिक्यूल वो तेजी से चलने लगेंगे। अब ये मॉलिक्यूल अगर तेजी से चल रहे हैं तो ये मॉलिक्यूल अपने अगल बगल वाले मॉलिक्यूल से कोलाइड करेंगे, फिर वो अपने बगल वाले नेबरिंग मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा, फिर वो अपने नेबरिंग कोलाइड कर करके एनर्जी का ट्रांसफर करेगा। कोलिजन होता है ना, एक बॉल दूसरे से आके टकराती है तो मोमेंटम एनर्जी का ट्रांसफर करती है। तो अगर ये हायर टेम्परेचर वाला एंड है और ये लोअर टेम्परेचर वाला एंड है, तो यहाँ के मॉलिक्यूल तेजी से चल रहे हैं, ये अपने टकरा टकरा की एनर्जी का ट्रांसफर कर रहे हो, टकरा टकरा की एनर्जी कहीं ना कहीं यहाँ पे भी पहुंच जाएगी। तो इस तरीके से जो हीट का ट्रांसफर होता है ड्यू टू कोलिजन, एनर्जी का ट्रांसफर ड्यू टू कोलिजन जो होता है, इसको हम बोलते हैं कंडक्शन। एनर्जी ट्रांसफर या हीट ट्रांसफर ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, जो भी स्मॉलर एंटिटीज हैं, इनकी वजह से जो एनर्जी का हीट का ट्रांसफर होता है इसको बोलते हैं कंडक्शन। और ये डोमिनेट करता है सॉलिड्स में, सॉलिड्स में हीट ट्रांसफर की जो डोमिनेंट मैकेनिज्म है वो तो कंडक्शन होती है। लिक्विड्स और गैसेस में क्या होता है, तो लिक्विड्स और गैसेस में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका ये एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड रखा हुआ है, ये एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड रखा हुआ है। मैंने बताया इसमें सॉलिड एक रॉड है, तो इसमें तो भैया कंडक्शन ही होगा, कंडक्शन डोमिनेंट मैकेनिज्म। बट यहां पे लिक्विड कंटेनर है, इसमें क्या होगा, जब आप बर्नर लगा के हीट दोगे तो यहां के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर जब बढ़ेगा, तो जो टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो वो ज्यादा इनके पास एनर्जी आएगी, तो वो ज्यादा मूव करेंगे। सॉलिड में भी कर रहे थे, बट सॉलिड में क्या था कि मॉलिक्यूल्स बंधे हैं, वो तो ऐसा नहीं कि यहां का कोई अगर टेम्परेचर बढ़ा तो ये मॉलिक्यूल चलने लगेगा यहां पहुंच जाएगा, क्योंकि सॉलिड का मतलब है मॉलिक्यूल फ्री फ्लो नहीं कर सकते, चल नहीं सकते। बट लिक्विड्स एंड गैसेस में क्या होता है, लिक्विड्स और गैसेस फ्लूड्स होते हैं जहां पे मॉलिक्यूल चल सकते हैं, दे कैन फ्लो। फ्लूड का मतलब ही समथिंग विच कैन फ्लो, फ्लो का मतलब मॉलिक्यूल एनर्जी पाके चलने लगते हैं। तो जैसे ही यहां पे टेम्परेचर मिलेगा लिक्विड को, हीट एनर्जी मिलेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा इन मॉलिक्यूल्स का, तो ये मॉलिक्यूल खुद ही एनर्जी लेके चलने लगेंगे। और इसमें कहीं ना कहीं डेंसिटी का भी रोल होता है कि लिक्विड्स और गैसेस में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उनका वॉल्यूम बढ़ता है, तो डेंसिटी घट जाती है, डेंसिटी घटने से हल्की चीजें जो होती हैं वो ऊपर पहुंच जाती हैं, जो ठंडी चीज है, ठंडी चीज टेम्परेचर ज्यादा तो डेंसिटी उसकी, टेम्परेचर कम तो डेंसिटी उसकी ज्यादा, तो ज्यादा डेंसिटी वाली चीजें नीचे और जो कम डेंसिटी वाली चीज है वो ऊपर। बायंसी का भी थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो वो जो गर्म चीज है वो ऊपर, ठंडी चीज नीचे, इस तरह से लिक्विड का फ्लो होने लगता है लूप्स के फॉर्म में, और इनको बोलते हैं कन्वेक्शन लूप्स। और इस तरीके से जो हीट का ट्रांसफर होता है उसको बोलते हैं कन्वेक्शन। लिक्विड्स और गैसेस में डोमिनेंट मैकेनिज्म कन्वेक्शन होती है, सॉलिड्स में
हीट के ट्रांसफर की डोमिनेंट मैकेनिज्म कंडक्शन होती है, लिक्विड्स और गैसेस में डोमिनेंट मैकेनिज्म कन्वेक्शन होता है। ठीक, अच्छा एक और हीट के ट्रांसफर की मैकेनिज्म है जिसको कोई मतलब नहीं कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। भाई क्या मेरे सामने ये बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब लगा हुआ है, सनलाइट आ रही है, क्या इनमें ना सॉलिड लिक्विड गैस, सनलाइट तो वैक्यूम से चल के आती है, ना सॉलिड की जरूरत है ना लिक्विड की ना गैस की, तो वहां पे क्या होता है? तो वहां पे ये होता है कि कोई भी बॉडी जब टेम्परेचर उसका ज्यादा होता है तो उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन, टेम्परेचर जो भी हो वैसे एब्सोल्यूट जीरो को छोड़ के किसी भी, तो बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्सेलरेट होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फोटोन के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है। तो कोई भी बॉडी ईएम वेव्स के फॉर्म में, वेव्स के फॉर्म में जब एनर्जी रिलीज करती है तो उसको रेडिएशन बोलते हैं। हीट के चलने के तीन तरीके, कंडक्शन सॉलिड्स में कोलिजन वाला, कन्वेक्शन लिक्विड्स और गैसेस में जहां पे कन्वेक्शन लूप्स, मॉलिक्यूल खुद चलने लगता है, लिक्विड गैस में मॉलिक्यूल एनर्जी पाया तो खुद ही लेके दौड़ने लगता है एनर्जी, और रेडिएशन वहां पे मॉलिक्यूल्स सॉलिक्यूल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मॉलिक्यूल्स के बिना भी, क्योंकि वहां पे वेव्स मटेरियल की जरूरत ही नहीं है, मटेरियल हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइट को अभी एयर के पार्टिकल है तो भी है, नहीं है वैक्यूम में तो भी लाइट चल जाएगी, क्यों? क्योंकि वो तो ईएम वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से चल रही है, विजिबल लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड वेव्स के थ्रू जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है उसको रेडिएशन कहते हैं। तो हम लोग आते हैं कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन, रेडिएशन कौन सा होता है? वेव्स के फॉर्म में, ये वेव्स के फॉर्म में ये वाला जो है ये रेडिएशन है। तो हीट के ट्रांसफर की तीन मैकेनिज्म, कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन, हमको इनसे रिलेटेड क्वांटिटीज की डायमेंशन निकालनी है, बट हम पूरा हीट की बेसिक डिस्कस करने लगे, चलो कोई बात नहीं, अगर हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे तो आप याद कैसे रखोगे? कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन करते हैं, कंडक्शन पे आते हैं। कंडक्शन में कौन कौन से रूल यूज होते हैं और कौन कौन सी क्वांटिटीज यूज होती हैं? क्योंकि देखिए मुझे ये वाला जो है खत्म करना था, थर्मल कंडक्टिविटी करना है, फिर इसके बाद इसमें रेड और कुछ तो नहीं है लेकिन मैं आपको और भी क्वांटिटीज बताऊंगा, इसमें तो खाली थर्मल कंडक्टिविटी है, बट कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन में जो जो क्वांटिटीज यूज होती है क्लास 11th 12th के लेवल पे वो मैं सारी आपको करा दूंगा, यहीं पर डायमेंशन निकलवा दूंगा। कंडक्शन पे आते हैं, मान लीजिए कोई रॉड है, ये वाला एंड T1 पे, ये वाला T2 पे, और ये लेंथ इसकी L है, टेम्परेचर ग्रेडियंट है T1 माइनस T2 बाई L, तो जो हीट के कंडक्शन की रेट होती है, रेट का मतलब एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, जो हीट के कंडक्शन की रेट होती है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, हीट कंडक्टेड पर यूनिट टाइम जूल पर सेकेंड या वॉट में, उसका फॉर्मूला होता है KA T1 माइनस T2 अपॉन L, जहां पे ए क्या है, ए है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रॉड, ये है ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रॉड। T1 T2 के हैं, T1 T2 टेम्परेचर है एंड्स के, T1 हायर टेम्परेचर T2 लोअर टेम्परेचर, हीट T1 से T2 चल रही है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। L क्या है, L T1 और T2 जिन पॉइंट्स के टेम्परेचर दे रखे उनके बीच का गैप है, एक तरीके से लेंथ ऑफ द रॉड है। A ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला एन T1 पे, ये T2 पे, ये लेंथ L है, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया है, हीट किधर से जा रही है, T1 से T2 जा रही है, कितनी जा रही है, तो पर यूनिट टाइम में डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T जा रही है। तो अब जितनी हीट भाई देख रहे हो T1 माइनस T2 अपॉन L, टेम्परेचर ग्रेडियंट ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा चलेगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा, मोटे भाई रॉड ऐसी होगी तो ज्यादा हीट जाएगी, बिल्कुल जाएगी, और किस चीज पे डिपेंड करिए? तो भाई खुद ही बताओ, एक वुड की रॉड है और एक है मेटल की रॉड, तो किसमें हीट ज्यादा कंडक्ट हो जाएगा? ऑब्वियसली मेटल में, मेटल हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं, नॉन मेटल हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं, तो यानी कि मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है, मेटल टू मेटल भी वेरी करता होगा। तो जो मटेरियल की बताने वाली प्रॉपर्टी है वो कहलाती है थर्मल कंडक्टिविटी, वो क्या कहलाती है? थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी के की डायमेंशन हमको निकालनी है, किसकी डायमेंशन निकालनी है? थर्मल कंडक्टिविटी के करते हैं। तो भाई के की डायमेंशन निकालते हैं, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, हीट पर यूनिट टाइम, ये हीट लिखी मैंने ML2T-2, टाइम लिखा T, इधर LHS निपट गया, एरिया अपॉन लेंथ L स्क्वायर अपॉन L, तो L स्क्वायर ये भी लेंथ है ना, और ये एरिया L स्क्वायर, तो L स्क्वायर अपॉन L कट गया, तो L बचा, L नीचे ले आए, T1-T2 टेम्परेचर डिफरेंस, याद रखना टाइम नहीं, T मत लिख लेना, टेम्परेचर K से लिखते हैं डायमेंशन में, K क्या कटेगा भाई, देखो ये बन गया M, L स्क्वायर से L कटा तो L, T-2 से एक गया तो T-3, K-1 ये आ गया, जिनमें ये M आ रहा है तो M की पावर 1 लिख लो, L आ रहा है तो L की पावर 1 लिख लो, तो
तो बताओ थर्मल कंडक्टिविटी की डायमेंशन क्या निकली, एम टू द पावर वन, एल टू द पावर वन, टी माइनस थ्री, के माइनस वन। तो ये हो गया हमारा थर्मल कंडक्टिविटी। तो हीट के कंडक्शन में यही होता है, ये देखिए एम की पावर वन, एल की पावर वन, टी की पावर माइनस थ्री, के माइनस वन। कैसे निकाला हम लोगों ने, हीट के कंडक्शन के फॉर्मूले से, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू के ए टी वन माइनस टी टू अपॉन एल, इसके थ्रू हम लोगों ने निकाला। आगे बढ़ते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी का हो गया, मैंने बोला था कि कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन तीनों के करवाऊंगा। कंडक्टिविटी में एक तो आपको टेम्परेचर ग्रेडियंट पता होना चाहिए, टी वन माइनस टी टू बाई एल। दूसरा थर्मल कंडक्टिविटी एज ए के कॉन्स्टेंट, उसका पता होना चाहिए, वो भी बता दिया। हीट आपको पता ही है, टेम्परेचर आपको पता ही है। कन्वेक्शन में कोई फॉर्मूला हम लोग 11, 12 के लेवल पर नहीं पढ़ते, तो वहां पे हम लोग जा नहीं रहे। रेडिएशन में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो रेडिएशन में कुछ क्वांटिटीज की डायमेंशन निकालते हैं। रेडिएशन जो ईएम वेव्स के फॉर्म में होता है, उसमें जो जो क्वांटिटीज होती हैं इन्वॉल्व, उन सारी क्वांटिटीज की डायमेंशन निकालते हैं। रेडिएशन में जो जो क्वांटिटीज इन्वॉल्व होती हैं, उन सारी क्वांटिटीज की डायमेंशन निकालते हैं, करते हैं रेडिएशन में वॉट एवर क्वांटिटीज इन्वॉल्व। तो पहले तो रेडिएशन के फॉर्मूले जान लेते हैं भाई। रेडिएशन में सबसे पहला फॉर्मूला यूज होता है कि अगर कोई बॉडी ब्लैक बॉडी है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी, मतलब सबसे अच्छी रेडिएटर है, जो सबसे अच्छी एब्जॉर्बर होती है वो सबसे अच्छी रेडिएटर होती है, ब्लैक सबसे अच्छा एब्जॉर्बर होता है। तो एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितना रेडिएशन करेगी, कितना एनर्जी रेडिएट करेगी पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए होता है सिग्मा ए टी टू द पावर फोर। सब सारे टर्म्स की मीनिंग बताता हूं। मान लीजिए कोई बॉडी है, तो ए है उसका सरफेस एरिया, याद रखना क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं बोला, क्या बोला, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब पूरा सुपरफिशियल, जैसे ये बॉडी है तो इस बॉडी का पूरा सरफेस एरिया, ऐसे पूरा चारों तरफ से कवर करने वाला सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ए। टी क्या है, तो टी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, केल्विन में, टेम्परेचर की फोर्थ पावर के प्रोपोर्शनल होता है। ये स्टीफेंस लॉ है, लिख देता हूं, रेडिएशन का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ होता है स्टीफेंस लॉ, स्टीफेंस लॉ। तो एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम क्या होती है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा बॉडी रेडिएट उतना ज्यादा करेंगे, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा बॉडी रेडिएट ज्यादा करेंगी। टेम्परेचर डबल हो जाएगा तो यहां पे 2 की पावर 4, 16 टाइम्स रेडिएशन बढ़ जाएगा, टेम्परेचर की फोर्थ पावर के प्रोपोर्शनल होती है। तो एरिया, टेम्परेचर, और दूसरा मैंने क्या बताया भाई, परफेक्ट ब्लैक बॉडी की बात कर रहे हैं, तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी टेम्परेचर की फोर्थ पावर, बॉडी का सरफेस एरिया, और एक कांस्टेंट आता है सिग्मा, जिसको बोलते हैं स्टीफेंस कांस्टेंट, स्टीफेंस लॉ, स्टीफेंस लॉ, स्टीफेंस कांस्टेंट, ऐसे याद रखना। तो ये जो आपका कांस्टेंट है, ये है हमारा स्टीफेंस कांस्टेंट, 5.67 इंटू 10^8 इसकी वैल्यू होती है, वॉट पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केल्विन टू द पावर 4। बट अभी वैल्यू की बात नहीं कर रहे, हमें तो डायमेंशन पे आना है इसकी। तो स्टीफेंस कांस्टेंट की डायमेंशन अगर पूछे तो कैसे निकालोगे, तो स्टीफेंस कांस्टेंट की डायमेंशन, इफ यू आर आस्क्ड हाउ डू वी डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ स्टीफेंस कांस्टेंट, देन व्हाट वी हैव टू डू, राइट डाउन दिस फॉर्मूला फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू सिग्मा ए टी टू द पावर 4, देन रीअरेंज द टर्म। हाउ डू वी रीअरेंज द टर्म, ये तो एनर्जी पर यूनिट टाइम है, तो एम एल टू टी माइनस टू अपॉन टाइम को लिखा मैंने टी, getting it, ML2 T minus 2 upon T, sigma we have to find out, A is area L square, temperature, याद रखना temperature T की power 4, T मत लिख देना dimension MLT, MLT में M mass, L length, T time होता है, ये temperature है, K से लिखना, K, तो बताओ क्या हो गया, L square से L square कट गया, और K इधर आ जाएगा, तो sigma की dimension आ गई, M, T minus 3, K minus 4, ये हो गया हमारा स्टीफेंस कांस्टेंट की डायमेंशन, एम टी माइनस थ्री के माइनस फोर, ठीक, एम टी माइनस थ्री के माइनस फोर। अच्छा, रेडिएशन में एक और टर्म यूज होता है इमिसिविटी, वो क्या चीज होती है, तो जो बॉडीज परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं होती, क्योंकि तो हर बॉडी तो ही ना परफेक्ट ब्लैक बॉडी होगी, ऑब्वियसली परफेक्ट ब्लैक बॉडी खुद ही एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो जो बॉडीज परफेक्ट ब्लैक बॉडीज नहीं होती, तो उनका जो रेडिएशन होता है वो क्या करता है, तो वो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू ई सिग्मा ए टी टू द पावर 4, ये फॉलो करता है।
डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी ई सिग्मा ए टी पावर 4 फॉलो करता है। तो सिग्मा तो स्टीफेंस कांस्टेंट, ए हो गया एरिया, टी हो गया टेम्परेचर, ई कहलाती है बॉडी की इमिसिविटी। ई क्या कहलाती है? बॉडी की इमिसिविटी। तो इमिसिविटी एक कांस्टेंट होता है और एक मटेरियल टू मटेरियल बदलने वाला, 0 से 1 के बीच का एक नंबर समझ लो, एक नंबर है। तो क्या होता है कि बाकी जो बॉडीज हैं वो ऑब्वियसली परफेक्ट ब्लैक बॉडी से तो कम ही करेंगी। जैसे मान लीजिए किसी के लिए E.5 है, तो इसका मतलब परफेक्ट ब्लैक बॉडी के रिस्पेक्ट में वो हाफ उसी कंडीशन में, उसी एरिया, उसी टेम्परेचर में हाफ रेडिएशन दे रही है पर यूनिट टाइम। तो ई अगर एक कॉफिशियंट है, 0 से 1 के बीच का नंबर है, और इसको हमें कुछ बोलते हैं कॉफिशियंट ऑफ इमिसिविटी बोलते हैं वैसे इसको, तो कॉफिशियंट ऑफ इमिसिविटी या कॉफिशियंट ऑफ इमिटिविटी, तो ये देखिए एक नंबर है, वो नंबर होते हैं डायमेंशनलेस, तो इसकी डायमेंशन हो गई m0 l0 t0। तो रेडिएशन में मैंने आपको एक तो स्टीफेंस कांस्टेंट की डायमेंशन निकालना बताया और एक कॉफिशियंट ऑफ इमिसिविटी या कॉफिशियंट ऑफ इमिटिविटी बताया। तो हीट का कंडक्शन का भी करा दिया, कन्वेक्शन का भी करा दिया, रेडिएशन की भी मैंने करा दी। रेडिएशन में स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ भी होता है, बट उसमें कोई नई क्वांटिटी इन्वॉल्व नहीं होती, तो उसमें कोई नया हमें टर्म जानने की जरूरत नहीं है। तो एक और आपको शायद पढ़ सकती है रेडिएशन में, तो देखिए रेडिएशन में एक स्टीफन लॉ या स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है वींस डिस्प्लेसमेंट लॉ, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि उसमें भी एक कॉन्स्टेंट आता है और नीट वगैरह में पूछ सकते हैं। वींस डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, और इसमें एक कांस्टेंट आता है वीन्स कांस्टेंट, वो हम लोगों को करना है। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है? वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई बॉडी रेडिएट कर रही है, कई सारी वेवलेंथ रेडिएट कर रही है, कोई भी बॉडी रेडिएट करती है वेव्स तो कोई एक वेवलेंथ ही नहीं करती, तो जो सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो प्रेजेंट होती है, इंटेंसिटी जिसकी सबसे ज्यादा होती है, उसको बोलते हैं डोमिनेंट वेवलेंथ, करेक्टरिस्टिक वेवलेंथ। अब जैसे कोई येलो कलर का बल्ब है जिससे येलो कलर की लाइट निकली, तो उसका मतलब येलो उसकी डोमिनेंट है भाई। जो हम लोगों का रिमोट होता है उससे रेड कलर की जो एक छोटी सी एलईडी लगी होती है, उसका मतलब उसमें डोमिनेंट कलर रेड है, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। बाकी ऐसा नहीं कि रेड ही होगी, बाकी भी कलर होंगे, बट उनकी इंटेंसिटी इतनी कम होगी कि डोमिनेट रेड कर रही है। तो जो डोमिनेंट वेवलेंथ होती है वो पाया गया कि बॉडी के टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जो डोमिनेंट वेवलेंथ होती है वो बॉडी के टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। हम टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, उसकी जो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका जो रेडिएशन का नेचर है वो चेंज होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे जो डोमिनेंट वेवलेंथ होती है वो घटती है। ऑब्वियसली जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ज्यादा एनर्जी की वेव्स निकलेंगे, और ज्यादा एनर्जी E=h, ज्यादा फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी जब बढ़ती है तो वेवलेंथ घटती है। तो फिर से बोल रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ा, फ्रीक्वेंसी बढ़ी, तो वेवलेंथ घटी। तो टेम्परेचर बढ़ने पे वेवलेंथ घटना मतलब प्रोपोर्शनल की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसी लैम्डा एम प्रोपोर्शनल टू 1/T इनवर्स रिलेशनशिप को वींस डिस्प्लेसमेंट लॉ बोलते हैं। इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं लैम्डा एम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/T, टी इधर ले और प्रोपोर्शनल डेटा के कांस्टेंट लगा दो, तो लैम्डा एम टी = b। इसको बोलते हैं वींस डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये स्टेटमेंट वींस डिस्प्लेसमेंट लॉ का। इसमें जो बी होता है इसको बोलते हैं वींस कांस्टेंट, और इसी के लिए तो मैं समझा रहा हूं क्योंकि हमें इसी की डायमेंशन निकालनी है, वींस कांस्टेंट की डायमेंशन चाहिए हमें। किसकी डायमेंशन चाहिए हमें? वींस कांस्टेंट की डायमेंशन चाहिए, वींस कांस्टेंट की डायमेंशन, वींस कांस्टेंट की डायमेंशन। ये सब मैं बता रहा हूँ, छोटे छोटे वींस कांस्टेंट की डायमेंशन निकालना, ये जेई मेन्स और नीट में पूछ सकते हैं, ऑब्वियसली जेई एडवांस लेवल का तो क्वेश्चन नहीं है। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि आपको जैसे किसी क्वेश्चन में यूज कर लिया, अभी मैं डायमेंशनल एनालिसिस के क्वेश्चन कराऊंगा, तो वहां पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक क्वांटिटी क्यू है वो Q1 Q2 Q3 पे डिपेंड करती है, बताओ क्यू का Q1 Q2 Q3 के टर्म में एक्सप्रेशन क्या होगा। डायमेंशनल एनालिसिस के जो नीट में क्वेश्चन आते हैं, जेई में क्वेश्चन आते हैं, वो हमेशा ऐसे ही होते हैं कि एक हाइपोथेटिकल क्वांटिटी ले लेंगे क्यू, वो डिपेंड करती है इस पे इस पे इस पे, बताओ इनके टर्म में उसका एक्सप्रेशन क्या है। चार ऑप्शन दिए होंगे अलग अलग पावर्स के साथ, और आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना होता, तो उसमें आपको पता होना चाहिए। अगर आपको क्वांटिटी की वो जो Q1 Q2 Q3 उनकी डायमेंशन ही नहीं पता होगी तो आप वो डिराइव ही नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए मैं बता रहा था आपको वींस कांस्टेंट की डायमेंशन निकालना पता होना चाहिए, वींस डिस्प्लेसमेंट लॉ मैंने बताया। वींस कांस्टेंट इसमें क्या है? तो बी है, बी बी एक कांस्टेंट है, तो वींस कांस्टेंट की डायमेंशन, बी की डायमेंशन निकालते हैं। लैम्डा वेवलेंथ है, वेवलेंथ मैंने कल भी बताया था, फिर बता रहा हूं, लेंथ है तो उसकी डायमेंशन एल होगी। तो ये देखिए, ये लिखा L^1, टी टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर की क्या होगी भाई? टेम्परेचर केल्विन के, तो ये बन गया L^1 k^1, वींस कांस्टेंट की डायमेंशन L^1 k^1, और जो नहीं है उनकी पावर 0 लिखनी होती, तो m0
एल की पावर वन, टी की पावर जीरो, के की पावर वन, ये हो गया वीन्स कॉन्स्टेंट की डायमेंशन। तो आई थिंक हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में जिन जिन क्वांटिटीज की जरूरत पड़ सकती थी, हीट बताया, टेम्परेचर ग्रेडियंट बताया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताया, लेटेंट हीट बताया, थर्मल कंडक्टिविटी बताया, स्टीफेंस कॉन्स्टेंट बताया, वीन्स कॉन्स्टेंट बताया, तो आई थिंक मैंने सारी जितनी भी क्वांटिटीज हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में यूज हो सकती थी सारी करा दी। मैकेनिक्स की सारी क्वांटिटीज की डायमेंशन करा दी। अगर किसी को कोई लग रहा है कि रह गई है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो, मैं अभी कमेंट बॉक्स से आपका देख के बताता हूँ। अभी मैं 2 मिनट का ब्रेक लूंगा, पानी पीऊंगा, आपके कमेंट बॉक्स रीड करूंगा कमेंट, और मैं सारी बता दूंगा। तो मैकेनिक्स की मैंने सारी करा दी, हीट ने थर्मोडायनेमिक्स की सारी क्वांटिटीज की डायमेंशन करा दी। अभी के अभी 2 मिनट के ब्रेक के बाद आपको मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की सारी क्वांटिटीज की कराऊंगा। फिर मॉडर्न फिजिक्स में अगर कोई यूज होती है तो कराऊंगा। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में इट्सेल्फ बहुत सारी क्वांटिटीज यूज होती हैं, वो सारी की सारी मैं अभी कभी कराऊंगा, और उसकी काफी यूज भी होती है, काफी इंपॉर्टेंट भी होती है। तो मैं ब्रेक ले रहा हूं, 1 मिनट का, पानी पीऊंगा और आपके कमेंट रीड करूंगा, और कमेंट्स में अगर कोई आपको चीज पूछनी है तो अभी कभी पूछ लो। आई थिंक मैंने कमेंट बॉक्स रीड किया तो सम गाय वॉज आस्किंग अबाउट इंग्लिश कॉपी चेकिंग, आई डोंट नो वाई ही वॉज आस्किंग। अभी तो हम लोग फिजिक्स में डायमेंशनल इसी से क्लास ले रहे हैं तो ये हमारा मेन इश्यू है, बट इंग्लिश की कॉपी चेक क्या हो रही है उसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, बट गिव मी सम टाइम, आफ्टर दिस क्लास आई कैन रिस्पॉन्ड। किसी को डायमेंशनल इसी से रिलेटेड कोई डाउट हो, रिलीवेंट पूछो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी ने रिलीवेंट पूछा था कि नीट के प्रीवियस ईयर का वो क्वेश्चन वगैरह, तो मैं बता दूंगा, उसमें भी आ जाऊंगा, उस पर भी डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट नीट और जेई मेंस में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं जरूर बताऊंगा, और उनको जरूर जो है इसकी एक सीरीज ही बना दूंगा वीडियो लेक्चर्स की, नीट और जेई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। बट स्टिल चलो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आवाज़ तो आ रही होगी, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? आवाज़ तो आ रही है ना सबको? किसी को कोई दिक्कत साउंड की? ठीक, चलो मूव ऑन कर जाते हैं नेक्स्ट इस पे। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हो गया, मैकेनिक्स हो गया, सारी क्वांटिटीज। हम लोग आगे बढ़ते हैं। बल्क मॉडुलस मैंने करा दिया था, सेंटीपेटल एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन है, एल टी माइनस टू होगा, स्टीफेंस कॉन्स्टेंट करा दिया, वीन्स कॉन्स्टेंट करा दिया, बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट। चलिए भाई बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट भी कर लेते हैं। बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट होता क्या है? ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ये एक हमारा रह गया था हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से, ये भी कवर कर लेते हैं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन निकालनी है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पहले थोड़ा सा मैं इसके बारे में ब्रीफ कर दूं, तब बताऊंगा उसकी डायमेंशन। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट देखो होता क्या है कि जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं किसी बॉडी को, हम जब हम बोलते हैं ना बेटा टेम्परेचर ज्यादा है तो टेम्परेचर कम है, तो उसका मतलब क्या है? टेम्परेचर कहीं ना कहीं बॉडी के मॉलिक्यूल्स के मोशन से रिलेटेड होता है। किसी भी बॉडी के मॉलिक्यूल्स जितना फास्टली चलेंगे उसका टेम्परेचर उतना ज्यादा होगा, वैसे वर्षा टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा मॉलिक्यूल्स उतना फास्टली चलेंगे। टेम्परेचर इज फास्टनेस और स्लोनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल के मोशन से रिलेटेड है, ये सही बात है। और मॉलिक्यूल का जो मोशन होगा तो मॉलिक्यूल की कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, सही में होती है, और मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है ट्रांसलेशन रोटेशन जुड़ जुड़ के डिग्री ऑफ फ्रीडम, यही तो सारी कॉन्सेप्ट है इंटरनल एनर्जी की। तो
तो ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं जब हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस करते हैं। अभी मेरा पर्पज ये बताना कि अगर हम किसी एक मॉलिक्यूल की एनर्जी देखें, किसी एक मॉलिक्यूल की, और सिर्फ ट्रांसलेशन की देखें, रोटेशन वोटेशन की ना देखें, तो किसी एक मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशन की वजह से जो एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफकोर्स टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, बिल्कुल करती है, टेम्परेचर की वजह से ही आती है। टेम्परेचर अगर जीरो कर दो, एब्सोल्यूट जीरो, -273.15 डिग्री सेल्सियस, कोई मोशन नहीं, कोई एनर्जी नहीं, समझ में आया? और टेम्परेचर भी जीरो, एब्सोल्यूट जीरो पे मोशन भी जीरो, मोशन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, मोशन बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे के इंटर रिलेटेड प्रोपोर्शनल फिनोमेना है। तो एनर्जी एक मॉलिक्यूल की 3/2 केबीटी, 3/2 कांस्टेंट है, केबी जो आ रहा है, टी ऑफ कोर्स टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, केबी जो आ रहा है वही है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये बोल्ट्जमैन एक तरीके से आप समझते हैं बोल्ट्जमैन का कॉन्ट्रीब्यूशन था मॉलिक्यूल्स के मोशन को समझाने में। बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ भी हम लोग करते हैं जब KTG पढ़ते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ते हैं, तो वहां पे हम लोग बोल्ट्जमैन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ भी करते हैं। तो उसमें ये जो KB यूज होता है ये है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो इस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन चाहिए, करते हैं भाई। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट KB की डायमेंशन बनेगी E/T, E एनर्जी है तो ये बनेगा ML2T-2, और टी टेम्परेचर है तो टेम्परेचर को के लिखना, गलती मत करना, टेम्परेचर को टी ना लिख के छोड़ देना, टी यहाँ पे टाइम होता है, के ऊपर आ जाएगा तो ये बन जाएगा ML2T-2K-1, ML2T-2K-1, ML2T-2K-1। तो ये डायमेंशन किसकी बन गई? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की। किसकी बन गई? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन। ठीक, तो आई थिंक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन भी हम लोग सीख गए। देखते हैं भाई और कौन कौन सा बच्चा है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी हो गया, देखिए ML2T-2K-1। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, अब आप उसको हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट करो, चाहे आप उसको केमिस्ट्री से रिलेट करो, चाहे आप उसको गैसेस लॉ से रिलेट करो, कहीं हर जगह, बहुत जगह यूज होता है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट भी है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की डायमेंशन निकालने को जब भी आए, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो सबसे पहले आपके दिमाग में जो इक्वेशन आनी चाहिए जिसके थ्रू हम लोग निकालें, वो आ भी चुकी होगी, तो वो है PV=nRT। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की डायमेंशन निकालना आना चाहिए। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R, जब भी बात चलेगी तो आपको इक्वेशन याद ही आ जाएगी, PV=nRT। PV=nRT में हमें R की डायमेंशन चाहिए। किसकी डायमेंशन चाहिए? R। करते हैं R की डायमेंशन, PV/NT, P प्रेशर, V वॉल्यूम। तो प्रेशर और वॉल्यूम अलग अलग भी रख सकते हो, रखेंगे भी, बट एक ट्रिक बता रहा हूँ। प्रेशर इंटू वॉल्यूम डायमेंशनली क्या बताता है? P∆V, वर्क डन बताता है। तो P∆V सीधे सीधे वर्क ML2T-2 रख सकते हो, ना रखना चाहो तो अलग अलग रख लो भाई। प्रेशर ML-1 T-2, वॉल्यूम L³। बात वही, देखो L³ से L-1 जाएगा, 3-1, तो ये ML2T-2 वही तो आ गया, वर्क एनर्जी का, प्रेशर इंटू वॉल्यूम वर्क के डायमेंशन के इक्वल है। ये हो गया प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय NT। N क्या हो गया? मोल। T है टेम्परेचर, तो क्या लिख लिया? K। तो ये देखिए क्या बन गया, ये बन गया ML2T-2 mol-1 K-1। देखिए ऐसी क्वांटिटी है R, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो पांच फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है। बस ल्यूमिनस इंटेंसिटी नहीं यूज हो रहा है और करंट नहीं यूज हो रहा है, बाकी तो सब आ रहा है इसमें। क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की डायमेंशन? ML2T-2 mol-1 K-1। तो ये कैसे निकाला? PV=nRT। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी आई थिंक समझ गए होगे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की डायमेंशन निकालना।